मेरे से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, मैंने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया, और आप लोगों से कौन कौन सा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सके, ये सारे डाउट है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा कर दिया जाए। तो हाय एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग अनफोल्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट टू द डिटेल। तो उसी पार्ट से हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया था, उसके बाद ही मैं स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी का एक लिंक आ गया था। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग लैपटॉप से एप्लीकेशन को अप्लाई किए होंगे तो लैपटॉप से वीडियो केवाईसी को प्रोसीड ना करें, क्योंकि उस केस में आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा को स्विच करना पड़ेगा बीच बीच में। तो उसमें आप लोग लैपटॉप से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो वीडियो केवाईसी का लिंक है, इधर आप इसे ओपन करके जो यूआरएल ये सेशन से जनरेट होगा उसको कॉपी पेस्ट कर ले अपने मोबाइल में, या तो आपके ईमेल पे भी आपको अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा भेजा जाएगा कि आप अब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया है, और आप नेक्स्ट स्टेप में जा करके वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें। तो मैं सिंपली आप मोबाइल ब्राउजर में जो ईमेल आया था मैं उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आगे दिखा रहा हूँ, स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी जो है ना आपके ईमेल में भी आएगा, उसको आप लोगों को सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो कुछ ऐसा यहाँ पर कंसेंट फॉर्म भर के आएगा। तो जो भी इनका कंसेंट वगैरह क्या क्या आप लोगों को रेडी कर लेना है, पैन कार्ड रेडी कर लेना है और मोबाइल वगैरह रेडी कर लेना है, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, और आप जो है वीडियो केवाईसी के ड्यूरिंग आपको इंडिया में ही प्रेजेंट रहना होगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया तो जब वो लोकेशन ट्रेस या तो ट्रैक करेंगे तो उसमें आप पकड़े जाएंगे, तो फिर जो वीडियो केवाईसी है ये एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है ये कंसेंट फॉर्म है, ये अपना देख करके प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है आप लोगों को। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर आधार कार्ड का नंबर और कैप्चा भरने को आएगा। जैसे कैप्चा और आधार कार्ड का नंबर भरोगे तो वन टाइम पासवर्ड आपके जो मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक्ड है उस पर आएगा। यहाँ पर सिंपली ओटीपी इंटर कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना तो डिजी लॉकर के साथ आपका 6 डिजिट का पिन एसोसिएटेड होगा। अगर आप लोग बना रखे होगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखे होगे तो शायद नहीं है। तो मैंने अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन कोड बना करके रखा था, और मैं सिंपली यहाँ पर पिन डाल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो कैप्चर आधार का एक कंसेंट आएगा कि आपका आधार जो है ये वो जो भी पार्टी है उसके पास चला जाएगा, और डिटेल वगैरह जो भी रहेगा वो एक्सेस कर पाएगा, और टाइम भी लिखा रहेगा कि कब तक वो एक्सेस आपका जो आधार का रिकॉर्ड है वो कर सकता है। तो ये सब देखते हुए यहाँ पर सिंपली आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड जैसे ही करोगे तो जो भी आपका डिजी लॉकर के साथ एसोसिएटेड फाइल वगैरह रहेगा, लाइक मेरे केस में आधार था और पैन कार्ड था, ये सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से टिक रहेगा, और डिजी लॉकर ड्राइव वगैरह को एक्सेस आप लोग ना दे तो ही ठीक है। और जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन क्या क्या जाएगा आपका, यहाँ से नेम डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चला जाएगा, और कब तक कंसेंट का वैलिडिटी रहने वाला था आप देख सकते हो, 10 जनवरी 2024 तक। ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस है मेरा जो कंसेंट मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ये कंसेंट को एक्सेस वगैरह वो लोग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ देखते हुए यहाँ पर सिंपली अलाउ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही अलाउ पर क्लिक करोगे तो डिजी लॉकर के साथ जो भी एसोसिएटेड डेटा वगैरह रहेगा आपका वहाँ पर चला जाएगा, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस के पास। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी का प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोगों को परमिशन ग्रांट करने का रहेगा, लाइक योर लोकेशन का परमिशन, जो कि मैंने बोला कि आपको इंडिया पर रह करके ही करने का रहेगा ये, और कैमरा का परमिशन और माइक्रोफोन का, ये तीन परमिशन को आप लोगों को अलाउ परमिशन कर देना है, उसका फिर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर नेट स्पीड आएगा, लाइक डाउनलोड और अपलोड स्पीड वगैरह सब शो होना शुरू हो जाएगा, और ये कनेक्टिंग का मैसेज वगैरह शो होना शुरू हो जाएगा। वेट कर लेना कुछ समय का। वेट करोगे तो उसके बाद ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जिसने जो कि मेरे से पूछा गया था। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वेव योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मतलब कैमरा के पास में आपको बोला गया था कि हैंड को वेव करने के लिए, मतलब हाथ हिलाने के लिए। इसे एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप जो वीडियो है ये लाइव वीडियो है, जो बोला जा रहा है वो आप कर रहे हो। उसके बाद मेरे से पूछा गया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद आपका करंट पिन कोड पूछा गया था। इसमें इन्होंने ट्रिक खेला था, जैसे कि करंट पिन कोड तो पूछा, उसके बाद फिर अचानक पूछता है कि करंट पिन कोड का फर्स्ट 2 डिजिट आप बताएं और करंट पिन कोड का लास्ट 2 डिजिट बताएं। मतलब ऐसे ऐसे करके बीच में आपको ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे कि अगर आप रट करके भी अगर आप बैठे होगे तो वहाँ पर आप लोगों को चैलेंजेस वगैरह फेस करना का रहेगा। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि कार्ड का वेरिएंट आपने कौन सा चूज़ किया है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप खुद से अगर आप अप्लाई किए होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कौन सा क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट वगैरह चूज़ किया है, तो वो आपको बताने का रहेगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा था। अगेन रजिस्टर मोबाइल नंबर बता देने के बाद भी लास्ट का 4 डिजिट और पहले का 4 डिजिट वो बोले थे कि आपको बीच में कन्फ्यूज़ करेंगे कि अगर आप रटा रटाया आंसर दे रहे हो किसी से अगर हेल्प ले करके तो उसमें आप फंस जाओगे, और जैसे भी इनको शक वगैरह होगा ना तो एप्लीकेशन तुरंत ही टर्मिनेट करते हैं ये लोग। तो इसलिए आप मेक श्योर कि अगर आप खुद ही अप्लाई करो और जो भी आपने डेटा वगैरह दिया हुआ मतलब माथे में पूरा सेट होना होना चाहिए उसका, जो आपने कंपनी का नाम दिया होगा उसका एड्रेस यहाँ पर आपसे मांगेंगे।
फादर्स का नाम पूछेंगे, उसके बाद लास्ट में जब आपका फोटो खींचने का रहेगा तो पहले बोलेंगे कि 3 बार आँख को ब्लिंक करो, ब्लिंक कर लेना, उसके बाद ये लोग फोटो अगर आपका रहता है पिक्चर वो कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि कैमरा को आप स्विच करिए और जो पैन कार्ड है उसको आप नज़दीक ले जाइए ताकि वो पैन कार्ड को कैप्चर वगैरह कर पाए उसका इमेज। तो ये हो जाने के बाद उसके बाद फिर बोला था कि फिर से कैमरा को स्विच करें रखे और जो भी आपके बैकग्राउंड वगैरह है बैकग्राउंड को एक बार आप दिखाइए कि अगल बगल कोई बैठा तो नहीं है और ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको हेल्प कर रहा है वीडियो केवाईसी के ड्यूरिंग। तो ये आपको कैमरा स्विच करा के बैकग्राउंड वगैरह बोलेंगे एक बार दिखाने के लिए, तो दिखा दीजिएगा कैमरा को स्विच करके अपना, एक बार घुमा दीजिएगा कैमरा को, तो आप इससे पता चल जाएगा कि अगल बगल आपके कोई बैठा हुआ नहीं है और आपको वीडियो केवाईसी की ड्यूरिंग आपको किसी से और कहीं से हेल्प वगैरह नहीं मिल रहा है। और लास्ट में उन्होंने पूछा था कि कार्ड का आप डिलीवरी कहाँ चाहते हो और क्या अपने वहाँ पर मेंशन किया था, तो अपने अकॉर्डिंग जैसे कि अगर आप कंपनी का एड्रेस डाले होगे तो कंपनी का बताना, नहीं तो करंट अगर डाले हो तो करंट का बताना। ये सारे मतलब टोटल 11 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे ड्यूरिंग वीडियो के वाई सी, वन ऑफ द बोल सकते हो थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा सा लंबा वीडियो के वाई सी ये अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा किया गया था। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि सेम टाइप का क्वेश्चन या तो सेम टाइप का सिनेरियो आप लोग के साथ भी हो, तो इसलिए वेल प्रिपेयर्ड आप लोग रह करके वीडियो के वाई सी का प्रोसीड वगैरह करेंगे। और ये इतना सारे हो जाने के बाद ये सिंपली अपना जो वीडियो केवाईसी का है ये प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाता है। और कोई भी मेरे से कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या तो होम वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ना कंपनी में कोई आए थे ना घर पे कोई आए थे। इसके बाद सिंपली आपका कार्ड का अप्रूवल का मैसेज वगैरह आ जाएगा 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर। और इसके लास्ट जो थर्ड पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें आपको कार्ड का अनबॉक्सिंग और क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के अपडेट और वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट वगैरह करें, और इसी तरह का अपडेट के लिए इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। सो इस वीडियो में बस यही था, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी नोट के साथ दिस इज राजनंदन सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू।